देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत चीज नगर निगम ने निकाली है। हमारा दुकान है, हमारा संस्थान है, हम कितना भी बड़ा बोर्ड लगाएं, इससे नगर निगम को कोई लेना देना नहीं। इस तरह से तो सड़क पे खड़े रहने का, हंसने का टैक्स भी लग जाएगा। तो हम पूर्णतः इसका विरोध करते हैं कि ऐसे किसी बोर्ड का न तो हम टैक्स देंगे और आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन भी करने जा रहे हैं। देखिए, इस बार तो स्मार्ट सिटी ने बहुत ही गलत काम किया है कि अननेसेसरी राजबाड़ा के आसपास जो खुदाई कर दी है, रोड बनाने का और ड्रेनेज का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत काम हुआ। इससे जो मध्य क्षेत्र है, इसके सारे बाजार हो, सराफा हो, कपड़ा मार्केट हो, कसेरा बाजार हो, बजाज खाना हो, सारे ग्राहकी से कट गए। और ये काम एक महीने बाद भी किया जा सकता था, उसके बाद उन्होंने फेरी वालों को वापस वहां बिठा दिया। सर, हम अभी पहले तो आठ महीने से ये स्मार्ट सिटी के कारण परेशान थे। उसके बाद जो 11 अप्रैल को जो ये खुदा है, उसके बाद से ना कुछ काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा धीरे चीटी की चाल जैसा काम चल रहा है। आए दिन तो ये खोद देते हैं, जो कस्टमर है उसको कैसे दिखेगा? ग्राहक को आने की गाड़ी ही नहीं रहती है, जगह ही नहीं रहती हमारे पास। सर, हम नगर निगम के जोनल अधिकारियों को फ़ोन लगा रहे हैं, पर या तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ है या तो फिर वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। देखो, व्यापारी तो शहर के विकास के लिए बड़ी मुहिम चला के बैठा है, शहर का पैसा शहर के विकास में, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे इस शहर के डेवलपर लोगों ने कहीं ऐसा जो रणनीति बनाई वो फेल हो गई है या वो उसमें चूक हो गई है। इस शहर को चारों तरफ से विकसित करने के नाम पे जो गड्ढे खोद दिए गए हैं, उस गड्ढे में हमारा व्यापार दब गया है और हम लोग उस गड्ढों के कारण ग्राहक हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम इस तकलीफ से अभी जूझ रहे हैं। हमको चाहिए इस शहर के जनप्रतिनिधियों को, इस शहर के जिम्मेदार प्रशासनिक लोगों को, इस शहर को तबाही से बचाए, शहर को बर्बाद होने से बचाए। शहर जो है वो विकसित होना चाहिए, लेकिन किसी के पेट कट के नहीं होना चाहिए, पेट भर के होना चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान है, आम क्रेता पहुंच नहीं पा रहा, आम क्रेता को बड़ी दिक्कत हो रही है और आम क्रेता इससे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को कोस रहा है। आज जिस स्थिति का सामना जनता जनार्दन कर रही है, बड़ी वेदना का हिस्सा है। हम कोई नियम की बात नहीं करें, हम अपनी पहचान बताकर ही व्यापार करेंगे। छद्म जीवन हमारा हिस्सा नहीं रहा, हम बरसों बरस हम अपने नाम से, अपनी पुश्तैनी पीढ़ियों से व्यापार करते आए। हमारी पुश्तैनी पीढ़ी और हमारी पहचान पे टैक्स लगाना गलत होगा, ये नाजायज है और इस नाजायज का पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, अभी जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, राजवाड़े के इर्द गिर्द इस बार पूरा खोद दिया गया है और हर सड़क बनने का काम, खजूरी बाजार जो है मास्टर प्लान में जो थी वो, उसके लिए भी सब खोद दिया गया है। तो व्यापारी आसपास के बहुत परेशान थे। बाकी जो एंड में व्यापार हुआ वो बहुत अच्छा चल रहा है और उससे जो है थोड़े लोगों में नाराज़ी कम है, नहीं तो नाराज़ी तो बहुत हो गई थी। राजवाड़ा एक ऐसी जगह है कि होलकर महाराज के ज़माने से अभी तक राजवाड़ा राजवाड़ा ही है। चाहे कितने भी मॉल खुल जाएं, चाहे कितने भी सेक्टर खुल जाएं व्यापार के, बाकी आदमी राजवाड़ा ज़रूर आता है और यहाँ से माल ज़रूर लेता है। पॉलिसी के तहत कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर अपनी दुकान का एडवर्टीजमेंट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 3x3 का 3 फीट तक का बोर्ड लगा सकता है, जिसका कोई शुल्क नहीं है। लेकिन अपनी दुकान पे किसी और कंपनी का होर्डिंग लगा है, उसका होर्डिंग का शुल्क 2017 से लिया जा रहा है और अभी भी उन्हीं होर्डिंग्स के लिए नोटिस भेजा गया है, जो कि दिवाली तक नहीं लेने के लिए हम कह चुके हैं। इसके खुद की दुकान के बोर्ड का कोई शुल्क नहीं है। सर, लगातार जो है हम फैलाने वाले लोगों का कोई इलाज नहीं है। सभी व्यापारी पहले भी दूसरे होल्डिंग्स का टैक्स दे चुके हैं, कोई नया टैक्स नहीं वसूला जा रहा है।